दिस इज मी, माई नेम इज उदय खरे। आज मैं आपके सामने लाया हूँ बिल्कुल नया टॉपिक, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि आपको हेल्प करता है क्लास 10th और क्लास 8th दोनों में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक्स से। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स क्या होते हैं? ए प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट। मतलब एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जो कि एक काइंड के एटम से मिलकर बना हुआ होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं अगर एलिमेंट्स की देखें तो। यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है आपको, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम एलिमेंट की, एटम कहलाती है। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स। जो एलिमेंट्स होते हैं वो ब्रोकन डाउन या कह सकते हैं ब्रेक डाउन नहीं हो सकते स्मॉलर यूनिट्स में। थर्ड है, एलिमेंट्स आर द बेसिक यूनिट्स एंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए सब्सटेंस। जो एलिमेंट्स होंगे वो बेसिक यूनिट या बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाएंगे किसके? सब्सटेंस के। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन कर रखी है। अगर आप प्रेजेंट टाइम में एलिमेंट्स की बात करें तो टोटल 118 एलिमेंट्स अभी तक प्रेजेंट हैं, जिसमें 92 नेचुरल हैं और नेचुरल में से 70 मेटल्स हैं और 22 नॉन मेटल्स हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद या पता होनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ी सी जानकारी कि एलिमेंट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो कि किनने डिवाइड किया था सबसे पहले, या कह सकते हैं किनने डिवाइड किया, तो एंटोनी लेवाइजर ने इसको डिवाइड किया है थ्री ग्रुप्स में। सबसे पहले जानते हैं किस किस में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। तो सबसे पहले जानेंगे मेटल्स के बारे में। मेटल्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स विच आर हार्ड, मतलब एक ऐसे एलिमेंट जो हार्ड होंगे, लस्ट्रस होंगे। मतलब हार्ड मतलब आपको पता ही है सॉलिड, लस्ट्रस मीन्स मतलब उनकी जो सरफेस होगी आउटर वो शाइनिंग देती है, तो वो हो गया कौन? शाइनिंग सरफेस होगी तो वो हो गया लस्ट्रस। ठीक है, मेलेबल मतलब अगर हम उन्हें किसी शीट या कह सकते हैं जैसे अपने एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी, वो शीट के रूप में जनरेट कर लें तो हो गए मेलेबल। और अगर हम उन्हें वायर के रूप में चेंज कर सकते हैं तो डक्टाइल। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मेलेबिलिटी, डक्टेबिलिटी, ये सब आपको अभी आगे जब मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँगा तो और अच्छे से बताऊँगा, अभी आप केवल बेसिक देख लीजिए। इसके अलावा सोनोरस, मतलब अगर हम किसी चीज़ पर स्ट्राइक करेंगे और वो एक रिंगिंग साउंड जनरेट करेगा तो ऐसी प्रॉपर्टी कहते हैं सोनोरस। एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और अच्छे कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। क्या कहलाएंगे? मेटल्स, एग्जांपल हो गए आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। इसके अलावा नॉन मेटल्स के बारे में बात कर लीजिए। द एलिमेंट्स विच आर ब्रिटल, मीन्स अगर हम हिट करें तो बिखर जाए, दैट इज ब्रिटल। नॉन लस्ट्रस मतलब शाइनिंग नहीं है, नॉन मेलेबल शीट नहीं कर सकते, नॉन डक्टाइल वायर नहीं जनरेट कर सकते, एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। एग्जांपल देख लीजिए, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन एंड ऑक्सीजन। मतलब नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन एंड ऑक्सीजन, जिसके क्या हो गए एग्जाम्पल। इसके बाद लास्ट आ जाता है आपका मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या हैं? द एलिमेंट्स विच पॉसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब दोनों के करेक्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स के देख अगर किसी में देखने को मिलते हैं तो वो हैं मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल आपके सामने हैं बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक और जर्मेनियम। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि किसके हैं? मेटलॉइड्स के। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं और देखते हैं हमने आज क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने बात की थी एलिमेंट्स के बारे में, और हमने कहा कि भाई एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जो कि एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें इसकी तो एटम कहलाएगी। एलिमेंट्स को ब्रोक डाउन नहीं किया जा सकता स्मॉल यूनिट्स में, और बिल्डिंग ब्लॉक्स और बेसिक यूनिट ऑफ सब्सटेंस कहलाते हैं। इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। किन्नों ने बताया इनके बारे में? एंटोनी लेवाइजर ने। ठीक है, इसके अलावा मेटल्स के प्रॉपर्टी क्या कहती हैं? हार्ड, लस्ट्रस, मेलेबल, डक्टाइल। एक ही बार फिर से, हार्ड मतलब सॉलिड, लस्ट्रस मतलब साइनी सरफेस थी, मेलेबल मतलब शीट में जनरेट कर सकते थे, डक्टेबिलिटी में या डक्टाइल मतलब हम उन्हें वायर में जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद था गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक बहुत ही अच्छे कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। क्या कहलाएंगे? मेटल्स, एग्जाम्पल आपके सामने थे आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम आपने देखे। इसके अलावा नॉन मेटल्स के बारे में बात करी, हमने कहा ये ब्रिटल होते हैं, नॉन लस्ट्रस, नॉन डक्टाइल और नॉन मेलेबल, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
इसके अलावा एग्जाम्पल हमने देखे नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसके अलावा मेटलॉइड्स देखे, हमने कहा दोनों के करेक्टर पाए जाते थे। डेफिनेशन बनी थी द एलिमेंट्स विच पॉजेस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल देखे बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड जर्मेनियम। तो ये कुछ हो गई बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात। कल मतलब नेक्स्ट क्लास में या कह सकते हैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और इस चैप्टर को लेकर पूरी तरीके से चलूंगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। थैंक यू।